अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मसाला। चलिए शुरू करते हैं। चिकन मेरा धुला हुआ है, ये करीब 2 किलो है। और प्याज हमारी पेस्ट है, ये 3 से 4 आंडी प्याज है किसी भी। पाव भर मेरा दही है 250 ग्राम। 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और फूड कलर। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। इसमें अब हम प्याज डालेंगे, दही, अदरक लहसुन और ये सूखे मसाले। अब हम इसको चिकन डालेंगे। इसको हम हाथ से ही मिक्स करेंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, इसको कम से कम हम 4-5 घंटे के लिए छोड़ेंगे। मेरी पतीली गरम हो गई है और इसमें मैंने 200 ग्राम करीब तेल डाला है। अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में तेज पत्ता, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 इलायची और 1 बड़ी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। ये गरम हो जाएगा तो अभी इसमें हम चिकन डाल देंगे। मसाले हमारे गरम हो चुके हैं थोड़े, अब इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन हमारा पक रहा है, अभी इसको हम पकने देंगे और आगे के प्रोसेस अभी हम बाद में बताएंगे। इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अभी हम इसको पकने देंगे। हमारे चिकन में पानी काफी छूटा है, इस स्टेज पे हम इसमें बेसन मिलाएंगे भुना हुआ। थोड़ा सा कम हो गया, अब हम इसको तेज आंच पर भी पकाएंगे। पानी हमारा सूख गया है, बस थोड़ा सा है, इसको अब हम धीमे आंच पे पकाएंगे। चिकन हमारा गल गया है, ये देखिए कितना ऑयल किनारे किनारे आ गया है। अब इस स्टेज पर हम काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला डालते हैं। लास्ट में हम इसमें मलाई ऐड करेंगे, इससे काफी टेस्ट अच्छा आता है।
चिकन हमारा रेडी है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। अगर ये मेरी रेसिपी सबको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।